मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दी? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए। घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे, मॉडल स्टील। आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इस सिलसिले में हम अपने स्टार से, अपने लोगों से और कॉर्पोरेट सेक्टर से, ऐसी पर्सनैलिटीज से आपको हमेशा मिलवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया होता है बल्कि अपने शोबे में रह के बहुत ज़्यादा नाम और मुकाम बनाया होता है। आज भी इस सिलसिले में मेरे साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद है, मेरे दोस्तों में से हैं। अगर मैं उनके काम की बात करूं, उनके फतोहत की बात करूं, तो उनके क्रेडिट्स में बहुत काम है। इंजीनियरिंग के शोबे से, कंसल्टेंसी के शोबे से उनका तल्लक है। उनकी एक फर्म है जो कि 2000 से ऑलमोस्ट वो यानी कि एस्टैब्लिश है, माशाल्लाह बहुत सारे क्रेडिट्स हैं उनके उनके पास इस वक्त काम के पोर्टफोलियो में। वो खुद बताएंगे डिटेल में सारे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरान यासिन शेख साहब के, जो कि फाउंडर है जी जर्स कंसल्टेंसी, और जो कि इंजीनियरिंग द फ्यूचर, ये इनका स्लोगन है। बहुत इंटरेस्टिंग ये स्लोगन है जी, इंजीनियरिंग द फ्यूचर। ये फ्यूचर क्या होने वाला है और आने वाले दिन क्या होने वाले हैं इंजीनियरिंग के हिसाब से, कंसल्टेंसी के हिसाब से, और जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने मुझे बताया है, जो जो वो कर रहे हैं, चाहे वो वासा का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, नो डाउट माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है जितना भी मुझे अभी तक अंदाजा हुआ है उनसे मिलने के बाद। और ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है जो कि दुनिया को हमें बताना है कि हम किसी से कम नहीं है। आज के इस सफर में, ख्वाबों से तबीयत तक इस सफर में मेरे साथ मौजूद है इमरान यासिन शेख साहब। जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबान। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो इमरान यासिन शेख साहब। हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए जनाब, मेरी खुशकिस्मती है कि आज ख्वाबों से तबीयत तक में आप मेरे गेस्ट हैं। इमरान साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ये जर्स कंसल्टेंसी, ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली आपने ये नेम की और इसके मीनिंग्स क्या है? ये बड़ा थोड़ा सा मिस्टीरियस किस्म का क्वेश्चन, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल की और मेरे पास तशरीफ लाए, मैं आपका बहुत बहुत ममनून हूँ। और दूसरा ये कि आपने जो सवाल किया ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और शुरू शुरू में जब मैंने ये कंपनी बनाई और मुझसे बार बार लोगों ने पूछा कि पहले तो अपनी कंपनी के नाम का मतलब बताओ, तो मैंने सोचा कि शायद मैं नाम चेंज ना कर लूँ। फिर मुझे मज़ा आने लगा कि सारे को जब मैं बताता हूँ तो लोगों को याद रह जाता है, तो मैंने कहा ये नाम तो यही रहेगा। और जैसे आपने कहा, ये वाकई इंस्पिरेशन है। मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे अपना वाकया सुन, अपना मेरा मेरी पूरी लाइफ है इसके पीछे, इस नाम फिलॉसफी है। मैं जी जिस तरह आम हमारे यूथ में सारे बच्चे पहले एफएससी करते हैं, फिर इंजीनियरिंग करते हैं, और इंजीनियरिंग करने के बाद एक ही उनकी ख्वाहिश होती है कि वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब उन्हें मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी नस्पाक ने मौका दिया और मैंने नस्पाक में जॉब करने लग गया। ऑल्दो मुझे वहाँ पे एक्सेलरेटेड प्रमोशंस मिल रही थी और मैं 8 साल में 2-3 ग्रेड्स जंप कर चुका था, लेकिन उसके बाद फिर वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे समथिंग इज मिसिंग, यानी कि आप जॉब के लिए नहीं है। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं यहाँ पे क्या एक कोलू का बैल बन गया हूँ। शायद मैं सुबह आता हूँ 9 to 5, और वैसे मैं कभी भी 5 नहीं आया था, मैं रात को 12-1 बजे आता था, लेकिन सुबह मैं टाइम पे पहुंचा था। लेकिन मेरी तसल्ली नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मैंने सोचा कि यार लेट्स सी वर्ल्ड आउटसाइड नेस्पाक, एंड विदाउट एनी मोटिव, विदाउट एनी थॉट, आई क्विट द जॉब। और मैंने कहा कि ये अब इसके बाद देखता हूँ क्या करूँगा लाइफ में।
मुझसे मेरी फैमिली में, मेरे पेरेंट्स की तो खैर डेथ हो चुकी थी, लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरे बहन भाई, मेरे अंकल्स सब ने पूछा कि बेटा आप क्या करना है। मैंने कहा ये आप सोचूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी को मुझ पर भरोसा था, तो उसने मेरा साथ दिया। और फिर अल्टीमेटली 2000 में मैंने ये अपनी एक कंसल्टेंसी कंपनी तो लॉन्च कर ली, और मेरे पास काम भी आ गया। और जब काम आ गया तो फिर सोचा कि इसका नाम क्या रखें। तो बस हम कुछ दोस्त बैठे थे और साथ में मेरा छोटा भाई भी था, तो उसने कहा कि आप बिल्कुल एक अकेले स्टार्ट ले रहे हो, तो कोई ऐसा नाम रखो जो आप नाम रखो और लोग आपको फॉलो करें। तो उसने कहा लेट मैं प्रपोज करता हूँ जर्स। जर्स जर्स मैंने कहा इसका मतलब क्या है? इसने कहा ये जो काफला होता है जो डेजर्ट में चल रहा होता है उसके लीडिंग कैमल की घंटी की आवाज को सदा जर्स बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप चलोगे तो बहुत लोग आपको फॉलो करेंगे, कारवां बनता जाएगा, कारवां बनता जाएगा। ये सवाल मुझे जिस भी क्लाइंट से मैं जब फर्स्ट टाइम मिलता हूँ वो मुझसे जरूर पूछता है, और मैं जरूर इसी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। और मुझे खुशी है कि आपने पूछा, मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है कि आपकी कंपनी की जो फाउंडेशन की बात है वो बार बार होती है। जी हाँ, स्टार से लोग पूछते हैं। और बिल्कुल हुआ भी कुछ ऐसे ही कि मैं अकेला स्टार्ट किया, और फिर मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया मेरे एक दोस्त ने जो अभी मेरे अभी तक मेरे साथ है और एज अ डायरेक्टर हमारी कंपनी में काम कर हमारे मेरे साथ ही है। तो वो बल्कि एक दिन उसमें ऐसा हुआ कि हमारे पास उन्होंने मुझे कहा कि यार पीएम किस वक्त आता है सफाई के लिए। तो मैंने कहा क्यों क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि यार ये टेबल्स वेबल्स की सफाई ठीक नहीं होती। मैंने कहा कल मैं उसे उसके काम खींचूंगा, कल से ठीक होगी। तो अगले दिन आए तो काम सफाई काफ़ी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा यार ये पीएम कहाँ है? मैंने कहा आपने उसे कोई इनाम देना है? कहते हाँ दे दूँ। मैंने कहा मुझे दे, क्योंकि मैं सुबह सफाई करता हूँ और फिर कपड़े चेंज करके ऑफिस आता हूँ। इंटरेस्टिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरा सफर शुरू हुआ, और आज हम 200 से लेकर 250 लोगों की टीम है जो कि पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सफर जारी है, सफर जारी है, सफर जारी। और कोशिश है कि मजीद लोग जितना कर सकते हैं लोगों के लिए करें। हमने जितना लाइफ में सीखा वो अब मेरी कोशिश ये है कि मैं वो नॉलेज, वो अपना एक्सपीरियंस छोटे आने वाले यूथ को ट्रांसफर करूं और उन्हें बताऊं कि मेरे ये मेरी लर्निंग है, तुम इससे बेहतर रास्ता अडॉप्ट करो, और इससे जहां पे मैंने गलती की वो उन्हें बताऊं, और जहां पे मैंने सीखा या जो मेरी विजन है मैं वो अब ट्रांसफर नॉलेज अपनी ट्रांसफर जरूर करूं। आपने एक और अपने सवालों में ये पूछा था कि आपकी विजन या आप क्या सोचते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो आपने कहा इंजीनियरिंग द फ्यूचर, हमारा प्रोफेशन ही ये है कि हमने फ्यूचर का सोचना है। कल आपने कहाँ रहना है, आपकी आपने कहाँ चलना है, कहाँ कारोबार करना है, और आपकी वहां पे नीड्स क्या होंगी, ये हमने आज सोचना है ताकि आप कल आराम से रह सके। तो ये हमारा प्रोफेशन है और ये हम करते हैं। ये स्लोगन भी आपके, हमारा स्लोगन भी ये है। हम जो काम कर रहे हैं आज वो शायद आपको आज नजर नहीं आएगा, वो आपको हो सकता है डाउन द लाइन 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, समटाइम्स 10 साल बाद आपको नजर आए। मसलन मैं आपको उसमें कुछ बताता हूँ। ये शील बाय द वे यहाँ पर पड़ी है इत्तेफाक से, ये हमें चाइनीज कंपनीज ने दी है, और इसमें इन्होंने ये एक प्रोजेक्ट है, आपने शायद अगर नाम उसका सुना हो, ML1 मेन लाइन 1 जो पेशावर से लेकर कराची तक रेलवे की डुअलाइजेशन होनी है और हाई स्पीड पर जाना है। हमने चाइनीज के साथ काम किया और उन्होंने जो पाकिस्तान में काम जो करवाना था उसको स्प्लिट कर दिया बिटवीन 2 कंपनीज। नेस्पा को ज्यादा काम दिया और हमें भी कुछ काम दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको परफॉर्म किया, काम किया, उसी के यादाश के तौर पे वो ये छोड़ गए हमारे पास। और लेकिन ये जो काम हमने 3-4 साल किया शायद आपको उसके कोई आसार आज नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन एक दिन नजर आएंगे। यही हमारा टारगेट है, ये चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इमरान साहब, यही ख्वाबों की तबीर होती है एक्चुअल में, यही वो ख्वाब है जो इंसान बचपन में सोचता है। सबसे पहली बात मुझे ये बताइए कि आपने कभी सोचा था बचपन में, क्योंकि ख्वाबों से तबीर है ना,
तो बचपन के ये ख्वाब था कुछ ऐसा बैक ऑफ माइंड कुछ ऐसा चीजें थी कि आप इस फील्ड में आओगे, इंजीनियरिंग एक मुश्किल तरीन शोभा है, ठीक है, और आपके घर में फैशन भी डिस्कस होता है, आपके घर में आपके यानी जो हमारी भाभी है उनका फैशन से तल्लक है, यानी जो फैशन डिजाइनर है, आप यानी कि इंजीनियर भी हैं बाय प्रोफेशन देखा जाए, ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपस में मिसमैच है, ये खुला तजार भी है, तो आप तो ये थोड़ा सा बैक जाइएगा, मुझे बताइएगा कि ये कुछ ऐसा प्लान माइंड में था कि नेस्पाक में तो ठीक है और भी बहुत सारे लोग काम करते थे कि आपने सोच लिया ठीक है यार फायर कर दिया अब जो होगा अल्लाह की आस पर देखा जाएगा। जो आपका सवाल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यकीन जाने कि जो आप मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे यहाँ तक पहुँचूंगा और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, जॉब के लिए कई बार इंटरव्यू दिया, वैसे तो मुझे वो भी कम कमी जरूरत पड़ी एक जॉब की, और लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ये मैंने कभी नहीं जिंदगी में सोचा था। और बस एक आप कह लें पागलपन कह लें या जुनून कह लें, काम करने का शायद आज भी है, और बस के काम करना और कुछ बेहतर करना, चलते रहना और चलते रहना, चलते रहना। अभी मैं मतलब समटाइम्स अगर मेरे पास सारा दिन मैं काम कोई काम कम हो तो मुझे अपने ऊपर ये अफसोस होने लग जाता है कि यार मैं कितना फारिग आदमी हूँ। तो जब ये वीकेंड की हद तक ठीक है, लेकिन जब ये तीन चार छुट्टियां कभी इकट्ठी आ जाए तो मुझे घर में रहना मुश्किल हुआ होता है कि मैं क्या करूँ। खुले तादाद को आपने कहा तो वाकई मेरी वाइफ जो है वो फैशन इंडस्ट्री से है, और इत्तफाक है कि मेरे वालिद भी इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर हूँ और मेरे बेटे ने भी ये लाइन अडॉप्ट की, और ये भी कुछ इत्तफाक है कि हमारी बहू भी फैशन डिजाइनर है। फैशन डिजाइनर तो अच्छा दोनों टफ शोबे यहाँ पे हैं। तो ये कुछ इत्तफाक कह लें, उसने इत्तफाक है जी, हाँ उसने इत्तफाक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो भी लोग और उम्मीद करता हूँ कि हमारे यूथ भी इंस्पायर होंगे और बस मेहनत करें और फल अल्लाह ताला ने देना, हमारा हमारा काम है चलते रहना, चलते रहना, काम करते रहना। अच्छा इमरान साहब एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है जो कि आजकल के बच्चों में ना आजकल के जो न्यू यूथ है जो हमारी ये शॉर्टकट चाहती है, ठीक है आ जाए आप फादर की सीट पर बैठे या हमें एक अंपायर मिल जाए और हम उसको लेके आगे चले। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जो कि मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत एक इंस्पिरेशन स्टोरी होगी। वो आपने कहा कि मेरा फ्रेंड आया, उसने कहा कि भी वो सफाई वाला जो आपने बताया, तो उसने कहा कि मुझे उससे मिलना है जिसने वो सारा साफ किया, तो आपने कहा उसको क्या आपने कुछ इनाम देना है, तो उसको नहीं पता थी बिहाइंड द सीन उस कंपनी का जो CEO है, उस कंपनी का जो फाउंडर है, एक टाइम ऐसा भी होता है स्टार्टिंग में हर कंपनी में हर ऑर्गेनाइजेशन में कि उसका जो CEO फाउंडर होता है वही मैनेजर होता है, वही उसका सब कुछ होता है, वही उसको लेके चल रहा होता है, क्योंकि ये उसी का ख्वाब होता है, उसी का विजन होता है, उसी का ख्वाब होता है, उसी में उसको लेके चलना है। आजकल के बच्चों में ये चीज नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये ना लाइफ को देखने का एक एंगल है और आप लाइफ को किस एंगल से देख रहे हैं ये मेरे नजदीक अपना आपने अपना रास्ता खुद चुनना होता है। अगर आप कहेंगे कि मतलब ये मेरे लिए बड़ी छोटी सी बात है कि वो PN मैं खुद डस्टिंग की, अगर आप भी आज आप नहीं, ये प्राउडली मैं तो फील कर रहा आज अगर आप आज भी मेरी टेबल के दराज खोलेंगे तो शायद कोई डस्टर आपको मिल जाए क्योंकि मैं खुद अपनी टेबल साफ करता हूँ। मेरे ऑफिस के साथ अभी आप जब आए होंगे तो आपको काफी लोगों ने रिसीव किया होगा, दरमियान में आपके PNs भी नजर आए होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास PNs नहीं है, लेकिन मेरे मेरे कमरे रूम के साथ ही इसी फ्लोर के ऊपर एक पेंट्री है जहां मैं खुद जाकर अपने लिए चाय बनाता हूँ और अगर कोई दोस्त आए तो मैं उसको सर्व भी कर देता हूँ। तो मुझे इसमें कतन कोई शर्म नहीं आएगी और मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या अगर अगर हमें मेहनत करनी है तो हमें ये डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी, हमें अपने हाथ से काम करना पड़ेगा। अगर हम हाथ से काम नहीं कर सकते हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये वैसे में तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे सफर का तो यही निचोड़ है कि अपने हाथ से अगर आप काम नहीं कर सकते हाँ। तो आप कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते। ये नाजिक आपने सुना है कि इमरान साहब के जिंदगी का जो
निचोड़ है वो यही है कि अपने हाथ के चाहे वो काम हो चाहे मेहनत हो उसमें अजमत भी है, यही हमारा दीन भी ये इस्लाम भी ये सबक देता है। वही बात, ये इश्क नहीं आसान और ये सफ़र नहीं आसान। पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में रहते हुए बिजनेस करना और अपने आप को अपनी कंपनी को इस लेवल पर लेकर आना, माशाल्लाह आपकी क्रेडिट्स में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है, जिस तरह से कि आपने 33 विलेज डेवलप किए, डिज़ाइन किए, कॉन्सेप्ट बेस थे वो, और वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट था और वर्ल्ड बैंक ने उसको फंडेड किया था, थोड़ा उसके ऊपर बताइएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, विलेज को डेवलप किया आपने। ये दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल प्रोजेक्ट्स जो कि हमारी कंपनी इस वक्त कर रही है। ओके, और आपके चले इसकी बात की तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें इन्होंने 200 विलेजेस को वाटर सप्लाई, सीवरेज, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट की फैसिलिटीज देनी है, और ये तमाम अर्बन नहीं रूरल विलेजेस हैं। और अगर किसी विलेज में कोई विलेज ऐसा भी आ जाता है जिसमें अर्बन भी है और रूरल भी है तो अर्बन को हम उसमें से निकाल देते हैं। और कॉन्सेप्ट इसमें है कि जो रूरल आबादी जो कि निगलेक्टेड है उनको हम फैसिलिटीज दें। अब इस प्रोजेक्ट में क्या है कि आप जिस वक्त हम ये रूरल विलेजेस में जाते हैं तो पूरे पंजाब में जो सेटलमेंट्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा प्लान नहीं है और वो नीड बेस्ड बनी हुई है। मसलन जहाँ पे किसी के खेत हैं उसने अपने कुछ आबादी वहाँ पे बन गई, वो करते करते 100 घर हो गए, 50 घर हो गए, 200 घर हो गए और ये सारी आबादियाँ स्कैटर्ड हैं। अब जब हमने उनके लिए पानी देना होता है, जहाँ पे तो मीठा पानी है वहाँ पे तो इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा चैलेंज वहाँ पे आता है जहाँ पे पानी की सोर्स अवेलेबल नहीं है या सब सॉइल पानी कड़वा है, जिसे हम वो खारा पानी भी कहते हैं, और या फिर उधर पानी की सोर्स है नहीं। तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ स्टडीज करने के बाद हमने असेस करना होता है कि इस विलेज के लिए सबसे बेहतर पानी की सोर्स क्या होगी, भले वो 10 किलोमीटर दूर हो, 15 किलोमीटर दूर हो, या कोई ऐसी सर्कमफ्रेंस पे जहाँ पे 4-5 आबादियाँ मिलकर दरमियान में कोई एक सोर्स हमें मिल जाए, तो वहाँ पे फिर हम एक ट्यूबवेल लगाते हैं और ट्यूबवेल लगा के इन सारे दही आबादियों को पानी देते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से उनका सीवरेज कलेक्ट करके वो भी हमें किसी सेफ डिस्पोजल आफ्टर ट्रीटमेंट हमें वो डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है कि नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी इस वक्त ऑनगोइंग है, डिज़ाइन इसका कंप्लीट है और एग्जीक्यूशन में है, जो कि मेरे ख्याल अगले चंद माह में कंप्लीट भी हो जाएगा। और वर्ल्ड बैंक इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए मजीद 1800 विलेजेस का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है जिसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे साथ और भी कुछ कंपनीज हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी। और बहरहाल ये एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो हमने जिनके ऊपर हम लोगों को भी फख्र है वो प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर कश्मीर में हैं, आज़ाद कश्मीर में। मुझे याद है कि 2005 में जब अर्थक्वेक आया तो मैं कभी भी कश्मीर कोहाला ब्रिज मैंने क्रॉस नहीं किया था, क्रॉस करके बस चंद फोटोग्राफ लेके और वापस आ गए, लेकिन मैं कश्मीर में कोई हम लोगों की कोई प्रेजेंस नहीं, कोई काम नहीं किया था। सबसे पहले जब 2006 में हम लोग एंटर हुए कश्मीर में और 2006 से लेकर आज तक हम कश्मीर में किसी ना किसी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हमने यूएई के फंडिंग से वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स बनवाए और जिसमें मुजफ्फराबाद में एक बड़ा हॉस्पिटल था, रावलापुर में एक बड़ा हॉस्पिटल था, फिर कश्मीर गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स कोई 14 के डिफरेंट शहर थे उनमें कहा कि वाटर सप्लाई चाहिए। अब आप कश्मीर में अगर विजिट करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सारे शहर हैं तो दरिया के पास, लेकिन दरिया से पानी पंप करके अगर ऊपर आबादी में ले जाएं तो वो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं रहता। ठीक है, तो हमें अपने डिज़ाइन में ये भी देखना होता है कि प्रोजेक्ट ऐसा हम बनाएं जो सस्टेनेबल हो और अगले 25-30 साल लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। तो हमने फिर वो नेशनल स्ट्रीम्स ढूंढी जहाँ पे चश्मे थे। जी, ये प्रोजेक्ट अभी चल ही रहा था तो 2008 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट किया और उसमें उन्होंने उसको प्रोजेक्ट का नाम दिया एजे के अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, जिसमें उन्होंने फोकस किया 3 शहरों को
जिसमें ज्यादा तबाही हुई थी ड्यू टू अर्थक्वेक, उसमें मुजफ्फराबाद, रावलापुर और बाघ था। यहाँ पे दो चाइनीज कंपनीज आ गई और उन्होंने कहा कि हमें डिजाइनर चाहिए जो कि रिप्यूटेड हों और हम उनसे कुछ काम करवा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक कंपनी, काफ़ी चाइना स्टेट ओन कंपनी है जिसका नाम है चाइना वाटर एंड इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, उसके साथ हम एज डिज़ाइनर एंटर हुए प्रोजेक्ट में। और बाघ सिटी के लिए हमने वाटर सप्लाई दिया, उधर रोड्स पे काम किया, उधर डिफरेंट बिल्डिंग्स पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बाघ का नक्शा ऑल टुगेदर चेंज हो गया और आज भी लोग उससे बाय ग्रेविटी ट्रीटेड वाटर पी रहे हैं, हर घर में पानी जा रहा है। इसके बाद अच्छा एक आपका प्रोजेक्ट है जो आपने एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी कुछ किया था, अब मैं बिल्कुल उसकी तरफ आता हूँ लेकिन यहाँ मैं सिर्फ कश्मीर को जरा हाईलाइट करना चाहूंगा कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी आ गया और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि कश्मीर में हम रूरल एरियाज में स्कूल खोलना बनाना चाह रहे हैं। हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट विन किया और कश्मीर की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है इतना मैसिव प्रोजेक्ट शायद ही कोई हुआ हो एजुकेशन सेक्टर में। अच्छा। जहाँ पे हमने 330 स्कूल डेवलप किए और वो कंप्लीट हुए, बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनके ऊपर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमें उनकी छतों का और उनकी विंडोज का डिज़ाइन चेंज करना पड़ा क्योंकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सामने थे और वहाँ पे फायरिंग भी होती थी और हमने बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना था, तो हमने अपने डिजाइन को अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट्स को डिजाइन किया। और फिर कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हैवी स्नोफॉल्स हैं और फिर हमने ये भी देखना था कि इन स्नोफॉल वाले एरियाज में, ये तमाम प्रोजेक्ट्स कश्मीर के किसी अर्बन एरिया में नहीं है, सारे रूरल और स्कैटर्ड एरियाज में हैं, पहाड़ों के ऊपर हैं। इसमें जो हमने हार्डशिप फेस की दैट वॉज बहरहाल उस वक्त हमें नामुमकिन नजर आती थी लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने उस तरह से इक्विप हुए, हमारी टीम्स वहाँ पर गई, सर्वे किए, डिजाइन किए, कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर आए, फिर उनसे काम किया और कंप्लीट करवाया और आज वो 330 स्कूल ऑपरेशनल है। माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड। तो इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उसके काफ़ी काम कर रहे हैं लेकिन इस वक्त जो प्रोजेक्ट में हाईलाइट करना चाहूँगा वो है पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज प्रोग्राम है। ये क्या है? ये इसमें लाहौर और लाहौर को निकाल के जो इंटरमीडिएट सिटीज़ हैं पंजाब के जैसे कि रावलपिंडी, मुल्तान, रहीमजा खान, बहावलपुर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोधा, इन शहरों में हमने म्यूनसिपल सर्विसेज देनी है जिसमें म्यूनसिपल सर्विसेज से मेरी मुराद पानी, वाटर, सीवरेज, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हमारे लिए पहला चैलेंज ये था कि सबसे पहले तो हमने स्पेशल प्लान बनाना है क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ 40-50 ईयर्स है, तो अगले 40-50 साल में शहर की ग्रोथ किस तरह होगी और वहाँ पे आबादी कैसे चलेगी। स्पेशल प्लान्स बनाए और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर उनको लेकर गए, उनकी अप्रूवल ली हुई और फिर उसके बाद हमने उसमें से कुछ सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स जो वर्ल्ड एशिया डेवलपमेंट बैंक ने जो कमिट किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि ये हम आपको फाइनेंस करते हैं, उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन किया। हमारा एक प्रोजेक्ट बिल्कुल डिज़ाइन कंप्लीट है और मेरा ख्याल है अगले चंद दिनों में शायद उसका वो अर्थ ब्रेकिंग भी शुरू हो जाए, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन भी शुरू हो जाए। वो रावलपिंडी के लिए कुछ एरियाज में वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट है जिसमें हमने एक जहां डैम कहलाता है वहां से पानी लिफ्ट करके रावलपिंडी को पानी देना है और आफ्टर ट्रीटमेंट, और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और इस सारे प्रोजेक्ट को मैं ही लीड कर रहा हूँ और ऑल्दो मेरे साथ काफ़ी सारे इंजीनियर्स एंगेज हैं लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है लीड तो आप ही करेंगे ना जी? जी बिल्कुल ऐसे होता है लेकिन हमारे भी एक डिफरेंट टीयर्स है, मतलब हर प्रोजेक्ट का टीम लीडर मैं नहीं होता, ठीक है, डिफरेंट टीम लीडर्स हम असाइन कर देते हैं और वो उस प्रोजेक्ट को लेके चलता है, लेकिन जहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो मेरे कई अपने सीनियर्स कोलीग्स के साथ इस बात के ऊपर कभी कभी तकरार भी हो जाती है कि इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आप खुद लीड करते हैं
तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इंटरेस्ट पैदा करता हूँ प्रोजेक्ट में, तो आप भी कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पकड़ो और उसको लीजिए। बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अच्छा इमरान साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, चूंकि बातें इंटरेस्टिंग हो रही है तो उसी में से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है मेरा आपके लिए, क्योंकि जहाँ पर इंजीनियरिंग का और कंसल्टेंसी का नाम आता है और वहाँ पर सी पैक ना हो जी, ये नामुमकिन है। हाँ जी ठीक है, क्योंकि सी पैक और ग्वादर और ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं और आपका काम, तो आप तुरंत बताइए कि आप सी पैक के हवाले से कुछ करें, और जिस तरह आपने बताया था ग्वादर में भी आपका एक बहुत अजीब शान किस्म का एक प्रोजेक्ट हुआ है जी जी, तो थोड़ा सा उसके ऊपर व्यूज को बताइए ताकि लोगों को पता चले कि वाकई हम किसी से कम नहीं है। जी हाँ, पहले हम ग्वादर की बात कर लेते हैं। ग्वादर में इतफाक से सी पैक के अंडर तो हमें जब वो प्रोजेक्ट्स कोई खास या जो चले हैं एटलीस्ट हम उनमें उनका पार्ट नहीं थे, लेकिन हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मिल गया। वो ये था कि ग्वादर का जो पुराना शहर है, जो पूरे जो नई कॉलोनीज बड़ी बड़ी बन रही है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो ग्वादर ग्वादर था ओल्ड टाउन जिसको ग्वादर ओल्ड टाउन, उसमें सीवरेज का कोई निजाम नहीं था। अच्छा ठीक, बिल्कुल नील था। और ग्वादर को अगर आप देखें तो ग्वादर का वो वाला हिस्सा वो समंदर से बिलो है, नीचे है, तो उसको सीवरेज का पानी बाहर निकल ही नहीं सकता, चारों तरफ समंदर है, समंदर है। तो उसको ट्रीट करना और उसको कैटर करना, हमने उस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया और फिर हमने देखा कि किस तरह से किया जाए, और हमने उसको कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड, जोन्स में डिवाइड कर दिया पूरे ग्वादर सिटी को। ऑल्दो आप ये कह लें कि अभी एज ऑफ स्पीकिंग एज ऑफ टुडे सिर्फ उस प्रोजेक्ट का 25% काम हुआ है, अभी 75% काम अभी नहीं हुआ, लेकिन जो 25% काम हुआ है उसमें हमने पूरे उस पूरे एरिया के उस जोन के, दो जोन्स थे हमारे पास, उस जोन्स का सीवरेज कलेक्ट किया पहले पाइपों के जरिए, और फिर हमने लेके उसको एक ट्रीटमेंट प्लांट की साइड पे लेके जाना था जहां से हम ट्रीट करके समंदर में फेंक सके, समंदर में फेंक सके या रीयूज कर सके। अब आपको पता है कि ग्वादर में जमीन नहीं है, और फिर जब सीवरेज का नाम आए तो म्यूनसिपैलिटीज और सारे लोग ये कहते हैं कि यार बिल्कुल जो नकारा जमीन है वो दे दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आपने जो हमें जमीन दे दी, हमने उस चैलेंज को भी ले लिया, और हमने वो ट्रीटमेंट प्लांट वहां पे बनाया, और हमने कहा कि अब जिस यहाँ से समंदर कुछ दूर है तो आपके लिए बेहतर है कि आप इस पानी को समंदर में फेंकने की बजाय आप रीयूज कर ले फॉर लैंडस्केपिंग। तो ये हमारी अथॉरिटीज के साथ बात करी, उन्होंने कहा हम आपको पैसे नहीं देंगे इस काम के, आप हमें डिजाइन करते हैं। ठीक है, हमने कहा चूंकि हमारा अब तो ये बच्चा बन गया बेबी, दिस इज नाउ आवर बेबी, हम आपको फ्री में डिजाइन कर देंगे। और हमने वो उनको जो उनकी मरीन ड्राइव है जिसके ऊपर ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी ऑफिस है और इस वक्त काफी अच्छे अच्छे घर भी बने हुए हैं, हमने उसके गिर्द अपना इरीगेशन नेटवर्क डिजाइन किया। डिजाइन करके अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था तो पानी तो ट्रीट हो रहा था, उसको फेंकने की जगह नहीं थी, तो साथ में एक ग्राउंड बड़ा सारा बना हुआ था जहां पे बच्चे क्रिकेट खेलते थे। तो हमने कहा कि भाई ये जो डेजर्ट है बिल्कुल, तो बच्चे भी डेजर्ट में खेल रहे हैं, तो आप इजाजत दें तो हम इसमें पानी फेंकते हैं। तो उन्होंने कहा फेंक दें, और हमने कहा कि यकीन जाने आपको इसका फायदा होगा। उस ग्राउंड में हमने पानी फेंकना शुरू किया, मेरे पास उसकी पिक्चर्स है, मैं आपको अपने वो शेयर भी करूंगा, क्योंकि उसके डिफरेंट फेजेस है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो ग्राउंड ग्रीन होना शुरू हो गया, और जब वो लश ग्रीन हो गया तो आज वहां पे ग्वादर का मशहूर क्रिकेट स्टेडियम है जहां पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। इंटरेस्टिंग, तो उसको कामयाबी के बाद फिर वो हमारा बाय दैट टाइम इरिगेशन सिस्टम भी ले हो चुका था, और ग्वादर की मरीन ड्राइव के साथ आज अगर आप वहां पे जाएं तो आपको खूबसूरत फूल तो आज अगर ग्वादर क्रिकेट ग्राउंड इस शेप में है तो उसको बनाने में अगर किसी के बिहाइंड द सीन कोई है तो वो मिस्टर इमरान और इनकी फर्म है जिन्होंने रात दिन काम करके उसको इस काबिल बनाया।
बिल्कुल उस क्रिकेट ग्राउंड के दीवार के साथ सिविल ट्रीटमेंट प्लांट देखना ना भूलिएगा, वो भी एक स्टेट ऑफ आर्ट स्टेट ऑफ आर्ट है जो के पूरे गवादर की ग्रीनरी की जान है। सीपेक का आपने जो जिक्र किया, सीपेक के अंदर हम लोगों ने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं। हम लोगों जो इसमें एक पहला प्रोजेक्ट हुआ वो हजारा उसका नाम हवेलिया थापोर्ट एक्सप्रेसवे है, ठीक है, जो कि हजारा मोटरवे जहाँ पे खत्म होती है उसके बाद वो एक्सप्रेसवे शुरू होती है और ये जाती है थापोर्ट तक। हम लोगों के पास उसमें बहुत थोड़ा सा पार्ट था क्योंकि चाइनीज ने खुद ही उसको डिजाइन किया और खुद ही इम्प्लीमेंट किया, लेकिन गवर्नमेंट की और खास तौर पे केपी की एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने हमें एनवायरमेंटल मॉनिटर्स उसके ऊपर अपॉइंट किया और ताकि चाइनीज कोई गंद ना मिचाए। मसलन आप जब रोड की कंस्ट्रक्शन होती है तो आप देखते हैं कि बहुत जगह से कटिंग फिलिंग होती है, तो ऐसा ना हो कि हम नेचुरल सीनरी को खराब करते हैं और किसी जगह पे हम पत्थर या एक्स्ट्रा मटेरियल फेंक दें और उसकी वजह से हमारी ग्रीनरी या कोई वो चीज़ें खराब होना शुरू हो जाए। दैट वाज अ बिग चैलेंज क्योंकि वो वहाँ पे उस रोड के ऊपर कोई सड़क तो थी नहीं, ठीक है, और जिन लोगों के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे थे वो भी सब चाइनीज थे और चाइनीज के अंदर उन पूरे कैंप में एक ना एक इंटरप्रेटर होता था जो कि चाइनीज और वो बताता था कि बात क्या हो रही है। और फिर क्योंकि चाइनीज वो सीपैक की फंडिंग थी और चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर था और ये पहला प्रोजेक्ट था जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल भी कोई खास उस वक्त इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें अपनी इन्वायरमेंटल सर्विसेज दी और इन्वायरमेंटल सर्विसेज में एक तरफ तो हमने ये देखना था कि कोई एक्स्ट्रा कटिंग ना हो, कोई ट्री ना गिरे, कोई दरख्त ना गिरे और कोई एक्स्ट्रा वेस्ट मटीरियल हम साइटों पर डंप ना कर दें, इसके साथ साथ हमें उसकी लैंडस्केपिंग का भी ख्याल करना था। जो लोग जिन लोगों ने हवेलिया मोटरवे पर ट्रेवल किया है और खास तौर पे हवेलिया से आगे क्रॉस किए हैं टूवर्ड्स मनसहरा नराना, आजकल सब लोग जा रहे हैं गिलगे जाते हैं तो ये रूट अडॉप्ट करते हैं, मेरा ख्याल है आप उसकी लैंडस्केपिंग को देख के भी आपका दिल खुश होगा, यानी कि उसके पीछे जो जी हाँ उसमें हमारी काफी सारी इनपुट है और हमने उसको काफी स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी किया। सब यही वो ख्वाब है जिसकी तबीर यानी कि मैं समझता हूँ कि आपको मिल चुकी है। इमरान साहब आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं अपने शोबे के एतबार से और पाकिस्तान के एतबार से देख रहे हैं आप, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल बड़ी टफ है बिजनेस के लिए भी और पाकिस्तान में जिस तरह हिसाब से इन्फ्लेशन है और माशी तौर के पर इस्तेकाम आने की कोशिश है, तो आप कैसे देखते हैं चीज़ों को? देखिए मेरा इसमें अब मानना बिल्कुल डिफरेंट है, मैं बाई चॉइस पाकिस्तान में रुक गया, मुझे बहुत सारी ऑफर्स थी जब मैं जॉब कर रहा था तब भी और जब मैंने जॉब छोड़ दी तब भी, गल्फ उस वक्त एक चाम था, दुबई अबू धाबी, इवन मेरी अपनी कंपनी है जो नेस्पा थी उसने मुझे एक्सेलरेटेड प्रमोशन दे के रीजनल मैनेजर के तौर पे भेज रहे थे गल्फ में, बट आई रिफ्यूज और मैं बाई चॉइस रुक गया। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने कहा जो काम करना है मैं अपनों में रह के करूँ, बाहर जा के क्यों मैं करूँ। और अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है मेरे नज़दीक पाकिस्तान एक बहुत बड़े पोटेंशियल मार्केट है। हम बहुत थोड़ी सी ज़मीन के ऊपर अमेरिका तकरीबन अमेरिका जितनी पॉपुलेशन को लेकर बैठे हैं, यहाँ पे हर बंदे की नीड्स हैं, बच्चों ने पैदा भी होना है, उन्होंने स्कूल में भी जाना है, उन्होंने अपनी लाइफ भी गुजारनी है, उन्होंने एजुकेशन भी लेनी है, बिल्कुल, फिर उन्होंने कोई प्रोफेशन भी आना है, फिर उनकी फैमिलीज भी होंगी, उन्होंने खाना भी खाना है, कपड़े भी पहने, आप किसी फील्ड में चले जाएं, पाकिस्तान में जितनी बड़ी पोटेंशियल मार्केट है शायद ही दुनिया में किसी जगह पर हो, जिस सिर्फ हमें अपनी आंख चाहिए और अपना विजन चाहिए। हर जैसे वो एक हम बचपन में गेम खेलते थे कि हम गोलियां डिफरेंट कोनों में छुपा देते थे, मेरे नजदीक भी ट्रेयर हर पत्थर के नीचे छुपा है, हमें उसे ढूंढने और निकालना है, अपना हिस्सा निकालना है, सिर्फ ढूंढने की जरूरत है और मेहनत की जरूरत है। जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को जो लोग तो समझ रहे हैं वो यहाँ पे काम करेंगे और करते जा रहे हैं और जो लोग मायूस हो जाते हैं मायूसी तो वैसे ही होना है तो वो फिर तो आपको लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मेरे पाकिस्तान सही विजन और सही रास्ते पे जा रहे हैं।
ये आप सही डगर पे, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और मैं पॉलिटिक्स पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं यदि माशी तौर पे मेरे वर्ड माशी तौर पे हमें मेहनत की जरूरत है और हम जितनी मेहनत करेंगे उतना हमें रिजल्ट मिलेगा। और अपना ट्रैक सीधा रखें, अपने हिस्से का काम करें, हम दूसरों पे नजर ना रखें कि वो क्या कर रहा है, हम अपने हिस्से का काम करें, अपना काम ईमानदारी से करें, तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई स्पेशली वो जो आपकी कंपनी का स्लोगन है इंजीनियरिंग द फ्यूचर, उसको फॉलो करें, उसको फॉलो जी हां जी। मेरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे यकीन माने कि ये टाइम अचानक से इतना गुजर गया और इतनी अच्छी निश्चित रही आपसे, और जो ख्वाबों से तबीयत तक का ये सफर है मुझे लगता है कि ये सफर हमेशा जारी रहेगा, जारी रहेगा। क्योंकि जब सफर रुक जाते हैं मंजिल रुक जाती है, नहीं ये खत्म नहीं होता, ये सफर नहीं खत्म होता। और ख्वाब जागते सोते हुए नहीं, जागते हुए जागते रहते हैं। मुझे और मैं मेरा ये मानना है कि अगर आप जागते में ख्वाब नहीं देखते तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इमरान साहब ने जागते हुए ख्वाब देखे जी हाँ, और ख्वाबों की ताबीद भी मिली, अलहमदुल्ला मिल भी रही है, मिलती भी है, और कभी नहीं भी मिलती, लेकिन उससे कभी मायूस मायूस नहीं। हमेशा ये सोचते हैं कि यार कई काम तो हमारे हो गए, तो अपने आप अच्छे दिन को नहीं अपने बुरे दिनों को देखें, और आपको आज हौसला मिलेगा और अच्छा लगेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करें जी नाज़िम, यही वो चीज है, यही वो इंस्पिरेशन है, यही वो शुक्र है जिसके लिए रब्बे करीम ने फरमाया है कि तू शुक्र कर तुम, मैं तुमको और दूंगा। और शेख साहब की पर्सनैलिटी में मैंने ये चीज़ देखी है कि ये अभी तक उसी डगर पर है कि जस्तजू चलते रहने का नाम है, मंजिलें आती रहेंगी, मंजिलें मिलती रहेगी, और ये सफ़र जारी रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज इमरान शेख साहब से मिलके सफ़र में, ये हमारे गेस्ट थे ख्वाबों से तबीयत तक के सफ़र में, जो कि पावर्ड बाई मॉडल्स फिल्म ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री था। उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आएगा, हमेशा की तरह ये एपिसोड भी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा अगले सफर तक के लिए अगली पर्सनैलिटी के साथ, तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब आपने घर क्यों बेच दिए? जहां रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।